बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इमरान खान साहब के हवाले से खबरें चलाई जा रही हैं कि खान साहब जो हैं वो किसी से मिले हैं कोई उनसे मिलने है, गया है अलवी साहब गए हैं वो गया है उनके घर वाले किसी से मिले हैं तमाम खबरों की हम तरदीद करते हैं कोई उनकी मीटिंग नहीं हुई और ये मैं खबरें चलाई जाती हैं दूसरे नंबर पर उनसे जब मुलाकात हुई उनसे पूछा कि कोई डील आपकी चल रही है कोई इस हवाले से खबरें चल रही हैं तो वो बड़ा शॉकड हुए कि क्या चल रहा है दोबारा बताया तो उन्होंने कहा जी कि ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए खबरें चला रहे हैं ताकि लोगों के अंदर ये तासर पैदा हो सके कि खान साहब तो बड़े मजे में हैं खान साहब बड़े रिलैक्स हैं और वो खुद अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं अंदर डील कर रहे हैं और लोगों से बातें चीतें कर रहे हैं कोई ऐसी बात नहीं है उन्होंने कहा कि मैं कभी भी अपने कौम के ट्रस्ट को नहीं तोड़ूंगा जो मेरा मकसद था जो मेरी सताईस साल की स्ट्रगल थी और जो आज हुआ के वर्कर्स और जो लोगों के ऊपर सितम हुआ जो लोग शहीद हुए तमाम कुर्बानियों को मैं कभी भी रायगा नहीं जाने दूंगा और मैं बिल्कुल डट के खड़ा हूं हमारी सिर्फ और सिर्फ बात इस हवाले से है कि इलेक्शन जो है वो टाइम के ऊपर करवाए जाएं और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो धांधली ना की जाए जो राइटिंग के हवाले से मैं आपको वाजह बता दूं जो लेटर चलाया गया कि ये खान साहब की राइटिंग नहीं है खान साहब ऐसा नहीं लिखते और ये जो एक मैज फेक जो है वो लेटर बनाया गया और माफीनामा टाइप का एक शाया किया गया ये भी उस पर में शामिल है आपको रोजाना कोई ना कोई इस तरह की खबरें मिलेंगी और आपने जरूर जो है उसको सोचना है और यकीन नहीं करना और इंशाल्लाह हम भी गाय ब आपको सारी अपडेट देते रहेंगे बहुत शुक्रिया